और नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विनीत और आप देख रहे हैं YouTube चैनल व्लॉगर विनीत। ये आज होने वाली है फाड़ू कैंपिंग। आशीष भाई बरेली से, हेलो कर दो। हेलो। और ये है वरुण। हेलो। और ये है धर्मेंद्र भाई। और ये लगा मेरा टेंट, इधर लगा आशीष का टेंट। तो पूरी रात लुकने वाले हैं दोस्तों हम लोग नदी के किनारे, और फुल नाइट कैंपिंग होगी ये। कहीं मत जाना, चिपके रहना वीडियो से। और अब मैं बना रहा हूँ चिकन। ये देखो, ये है चिकन, और अब मैं करूंगा इसे मैरिनेट। ठीक, इसे हम दोस्तों मैरिनेट कैसे करेंगे? सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है हमारा ये शेजवान चटनी। इसमें सब होता है, लहसुन, प्याज, तेल, मिर्चा, सब है इसमें। तो अपन क्या करेंगे, पहले शेजवान चटनी डालेंगे इसमें मस्त एकदम। और अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा दही। ये आ गया अपना दही, बस इतना बहुत है। और ये आ गया अपना चिकन, इसे हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। ये आ गई अपनी थोड़ी सी हल्दी, और थोड़ा सा नमक, ज्यादा मत गिर जाइए भैया, बस। और थोड़ा सा हम डालेंगे तेल, बस। बहुत बढ़िया। अब हमें करना है इसे दोस्तों मिक्स। ये बात, बढ़िया करके इसे मिक्स कर दें, ताकि सारे जो मसाले हैं वो अच्छे से चिकन पे लग जाएं। अब इसे हम रखेंगे दोस्तों करीब आधे घंटे के लिए, आधे घंटे पौने घंटे तक ये इसमें मैरिनेट होने के लिए रख दिया जाएगा। तो दोस्तों अंधेरा हो चुका है, और अपनी जल रही है लाइट, और कीड़े भी आ रहे हैं मार तमाम नन्हे नन्हे से भिनगे से। और यहाँ पे मैं आपको सुनाऊंगा कि जंगल की जो आवाज़ होती है वो किस तरह की लगती है बियाबान सन्नाटे में। यदि आप पीछे सुनेंगे ध्यान से हेडफोन लगा के, तो यहाँ पे नदी किनारे बोल रहे हैं कई सारे मेंढक, टों 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 करके। देखिए, सुनने की कोशिश करिए। और ये लगा अपना टेंट, और यहाँ पे अपनी मेज और चेयर वगैरह है। अभी तो रात बाकी है, अभी क्या है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। चलिए दिखाते हैं आगे आगे आपको होता है क्या। तो आज जो आग जलेगी, जिसे प्रोफेशनल कैंपर्स जलाते हैं बिना माचिस बिना लाइटर के, हम जलाएंगे दोस्तों इस चकमक पत्थर से। ठीक है, मैंने ले रखी है ये पट्टी जो आती है कॉटन की, और इस पट्टी को मैं यहाँ रखूँगा इस तरह से, और बस इसमें मुझे करना है स्ट्राइक। आग पकड़ ली है जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसमें मैं डालूंगा दो कपूर की टिक्की। हम रखेंगे इसके ऊपर थोड़ी सी लकड़ियाँ, सूखी हुई लकड़ियाँ रखेंगे दोस्तों, ताकि ये थोड़ी सी आग पकड़ लें। पहले छोटी आग तैयार करी जाती है, और उसके बाद उसे बड़ी आग में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हमारी छोटी आग तैयार हो चुकी है, और अब इसे हम बड़ी आग में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके चारों तरफ डंडियां लगा दें इस तरह से छोटी छोटी, ये देखें।
और अब बनाना है हमें हवन कुंड। हवन कुंड हवन करेंगे, हवन करेंगे। तो कहानी ये है कि हमारी कैंप फायर जल चुकी है और कैंप फायर ऐसी जल रही है भाई साहब, रुकना नहीं चाह रही है। जे देखो कतई एकदम भलभलाए के जल रही है, देख रहे हैं आप। और वो जल रही है वहाँ लाइटें, एक लाइट लगाई है, यहाँ पूरी व्यवस्था है भाई साहब, देखें। और सब भाई लोग अपनी अपनी ब्लॉगिंग करने पे डटे पड़े हैं। काला काला आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, अब सही आया। जल रही मस्त है, देखो आज होएगा जंगल में मंगल। अबे क्या कर रहे हो? फुल मजा आ रहा है गाइस, फुल मजा आ रहा है, बोल। फुल मजा चल रहा है। ये है कैंपिंग। तो दोस्तों अभी बैठे हैं, तब तक मैंने सोचा प्याज टमाटर काट लिया जाए, क्योंकि आज जो हम बनाएंगे चिकन उसमें प्याज और टमाटर की अहम भूमिका है। तो प्याज टमाटर अपना कट रहा है इस समय। क्या निकाल रहे हैं? ये है जादू का पिटारा, ग्रिल टाइप की निकाल रहा है। ये आ गई अपनी ग्रिल, होल्डिंग मामला है। होल्डिंग मामला अपने आप बनाई है ये भाई, DIY प्रोजेक्ट है, दिमाग लड़ा के बना लिया। और क्या लग जाओ, ना टूटने का डर, कोई दिक्कत ना इसमें। एक तरफ पैर लग गए, अब दूसरी तरफ लगा लो। कोई महंगी ग्रिलें खरीदने की जरूरत नहीं है, ये लो अपनी ग्रिल रेडी। ये है सबसे सस्ती और सबसे अच्छी, सबसे बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन है। अभी इधर लेके आओ, जुगाड़ है वो काफी सस्ते और काफी अच्छे जुगाड़ है, वो कंफर्टेबल टिकाऊ वाले, टिकाऊ वाले। कभी नहीं दे सकते, कभी नहीं देंगे। लोहा लाठ लग गए अपने काम पे, लोहा लाठ जुगाड़ है भैया। भाई लोगों के पेट में चूहा कूद रहा है, वो पहले बनाने बैठ गए। अरे यार भाई लोगों को भूख लग रही है, हमने की बनाए बनुए शुरू करें। अच्छा है कि नहीं है, फिर बैठ के आराम से बातें होंगी, बात होंगे, मजे लेंगे। बस देखिए इनके जुगाड़ों का स्टार्ट हो गया। ये आ गया अपना मैरिनेटेड चिकन, शाबाश बढ़िया। चलो अब काम को करें चालू। चिकन तो सीखची पे पहले लगाएंगे थोड़ा सा तेल, लगाना स्टार्ट कर दिया हमने। भाई साहब चिकना रहे हैं बिल्कुल, बहुत ही मस्त। ये देखो भाई, ये देखो भाई क्या टमाटर है। एक टमाटर लगा और ये लगाया इन्होंने, और एक लगा चिकन। तो ये अपना टंडीला बन गया, इसे धर दियो इस पे। देखिए सर, देखिए भाई क्या तरीका है बनी सर। दूसरी वाली कहाँ गई मेरी? सोलो कैंपिंग, सोलो में मजा आता है। नहीं वो अपनी अपनी पसंद है, मैं तो पूछ रहा हूं, किसी को क्या पसंद है, किसी को कुछ और। ग्रुप में मजा आता है या सोलो में मजा आता है? देखिए हमारा काम शुरू हो चुका है। तो दोस्तों बस अब इसे धीरे धीरे आंच पे ही हमें भूनना है, और मुश्किल से 10-15 मिनट में ये एकदम बिंदास खाने लायक तैयार। अब देखते हैं दोस्तों ये किस तरह से बन पाया है कि नहीं बना है, चेक कर लें। ले वरुण लगाओ, खा के बता जरा, चेक कर ले। भाई वाह, अकेले अकेले, ओ भाई साहब मजे तो मार रही है, कतई सटीक बना भाई साहब, गजब मजेदार है, मजा आ गया। गरम बहुत है यार, बढ़िया।
घातक बढ़िया बन गया। हम सोच रहे थे जो इनने सोचा वही हुआ इनके साथ, वही हुआ। मजा आया ना काफी खाने में, सॉलिड एक नंबर। चक्कर क्या हुआ ना, शेजवान चटनी का हमने वो बनाया बैटर टाइप का, उसका टेस्ट बड़ा जबरदस्त आ रहा भाई साहब। तो भैया अपना डिनर हो गया रेडी, ये रहा चिकन और ये घर से बनवा के लाए रोटी। ठीक, तो अपना हो गया एकदम मामला टनाटन सेट, बिल्कुल। चिकन भी बना एकदम मस्त गजब। हालांकि मैंने कई वीडियोस बनाई हैं कैंपिंग की, सभी वीडियोस में दोस्तों मैंने जो बनाया है वो वेजिटेरियन खाना बनाया है, लेकिन आज पहली बार मैं कैंपिंग में नॉन वेज बना रहा हूँ। तो बहुत से लोग हो सकते हैं जिन्हें नहीं पसंद है, उसके लिए सॉरी। जो कि जो टीम में बैठे हैं दो लोग इधर ये दोनों लोग नहीं खाते तो ये है। तो चलिए खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद जो आशीष भाई बनाएंगे वो भी खाएंगे। हमारा ये नहीं खा सकते, लेकिन इनका बनाया हुआ हम खा सकते हैं। चलिए मिलते हैं दोस्तों खाना खाने के बाद। तो दोस्तों अपनी तो हो गई पेट पूजा बढ़िया करके मस्त एकदम बिंदास वाली। अब आशीष भाई हमारे लगे हैं पनीर टिक्का बनाने के लिए, तो एक बार आप देख लीजिए। तो ये देखें, प्याज काटी थी, अभी ये टमाटर काट हो रहा है। अच्छा, ये पनीर वगैरह रखा हुआ है, पैकिंग वाला लेके आते हैं हम तो ना। वो सही है यार, बढ़िया रहता है बना बनाया ना, सही है। मदर डेयरी का है ना, बढ़िया। इधर क्या कर रहे हैं, टमाटर काट रहे हैं इसको, बढ़िया बढ़िया। तो जी भाई साहब खाना वाना खा लिया, आग वाग जला के हाथ वाथ भी ताप लिए बढ़िया करके, और अब हम दोनों जने जा रहे हैं सोने। उन दोनों को कर दिया दूसरे टेंट में, मैं और आशीष रुके हैं एक टेंट में। थोड़ा बातें बातें करेंगे। और इस समय बज रहे हैं दोस्तों रात के 11, ये देखिए 11:09 हो रहे हैं। तो चलिए एक डेढ़ घंटा थोड़ा बातें बातें करेंगे, और फिर अब हम आपसे मिलते हैं दोस्तों सवेरे के टाइम पे। चलिए, तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। दोस्तों गुड मॉर्निंग हो गई है भाई साहब, पूरी रात वो हवा चली है एकदम साए वाली, और टेंट मार फड़ ऐसे हिलता रहा। और इस समय मैं अगर आपको दिखाऊं तो ओस पड़ी है बहुत जबरदस्त वाली, और पूरे टेंट हमारे भीगे पड़े। तो चलिए दिखाते हैं आपको, सारे टेंट ऐसे भीग गए हैं भाई साहब, यानी किस कदर ओस पड़ी है। ये ऊपर देख रहे हैं आप, पानी साहब खूब ओस पड़ी है। और ये देखिए सवेरे का एक छोटा सा व्यू नदी किनारे का, ये अपना सामान रखा हुआ है, और ये है। तो भाई साहब ठंड हो रही है गजब की। आशीष भाई उठो यार, सवेरा हो गया, 6:30 गए हैं भाई, ठंड हो गई, कोई दिक्कत ना, उठ जाओ। वरुण, धर्मेंद्र भाई उठो, सबके सब यार सवेरा हो गया। चाय वाय बनाओ, तुम ही बनाओगे और कौन बनाएगा ला मैं कॉफी बनाता हूँ। अच्छा, तो दोस्तों बनाते हैं कॉफी और मिलते हैं आपसे कॉफी पे। तो दोस्तों ठंड लग रही है, और मुझसे गलती ये हुई कि मैं कोई ऊपर स्वेटर वगैरह या कोई जर्सी नहीं लेके आया, इसीलिए मुझे लगानी पड़ी टोपी, कहीं सिर में ठंड ना लगे। और इधर देखेंगे आप, अगर नज़र डालेंगे तो यहाँ पे हमारी कॉफ़ी, ये मैंने ब्लैक कॉफ़ी बनाई है, बिल्कुल एकदम रेडी है। इसे हवा लग रही थी तो ये हमने यहाँ पे जुगाड़ लगा दी इस तरह से। सही बनी, बढ़िया, सबसे आसान सबसे बढ़िया। आ जियो
तो भाई साहब कॉफी भी पी ली, अंगड़ाइयां भी ले ली और ड्रोन भी उड़ा लिया। तो इस वीडियो का दोस्तों यहीं पे एंड करता हूं और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।